हेलो, मैं डॉक्टर अद्वैत अग्रवाल, शिशु रोग एवं एलर्जी विशेषज्ञ एवं जागरूकता मिशन में आपका साथी। एक नए विषय पर और आने वाले विंटर्स में ये हॉट टॉपिक हो सकता है और वो है स्वाइन फ्लू। इस पर कुछ बताने आया। 2010 में आपने देखा होगा जब स्वाइन फ्लू फैला था, कितनी सारी मीडिया रिपोर्ट आ रही थी ना, पूरा चैनल घंटों घंटों के प्रोग्राम इसमें न्यूज चैनल दिखा रहे थे। मुझे डर था कि किसी दिन न्यूज एंकर्स भी मास्क पहन के ना दिखाने लगे, क्योंकि जो देखो वो मास्क पहन कर घूमता रहता था। स्वाइन फ्लू दरअसल होता क्या है? स्वाइन फ्लू एक वायरस है जिसे H1N1 वायरस कहते हैं टेक्निकल भाषा में। स्वाइन मतलब सुअर या पिग, तो पिग से इंसान में नहीं आता, दरअसल ये इंसान से इंसान में फैलता है, लेकिन इसकी मिक्सिंग, इसकी बनावट पिग में हुई है, इसलिए इसका नाम स्वाइन फ्लू रखा। लेकिन ये तीन वायरस से मिलकर बना है, एक बर्ड फ्लू केस में कंपोनेंट है, इंसान का फ्लू और पिग का फ्लू। ये तीन वायरस की मिक्सिंग सुअर के ट्रेकिया में हुई, उसके बाद एक जो नया वायरस बना था 2009-2010 में, वो था स्वाइन फ्लू, और जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था। आज भी ये भारत में एंडेमिक है, एवं बीच बीच में एपिडेमिक्स अचानक से ज्यादा केसेस बढ़ जाना उसके रूप में हो सकता है। जब भी स्वाइन फ्लू होता है तो बहुत डरते हैं लोग, जब भी फैलता है। दरअसल जो भय है वह 2010 और अभी तक के जो डेटा के हिसाब से देखा जाए तो मैं कहूंगा कि ज्यादा डर की बात नहीं है। मैं स्वाइन फ्लू का नोडल ऑफिसर भी रहा हूं और हूं, और मैंने अभी अपनी देखरेख में जितने भी बच्चे देखे, एक की भी मृत्यु पिछले 4 साल में मैंने नहीं देखी स्वाइन फ्लू से, मैं नहीं हुई है। तो दरअसल है क्या कि 90% लोगों को स्वाइन फ्लू हल्की सर्दी खांसी या बुखार के रूप में होगा, किसी भी कॉमन सर्दी खांसी बुखार की तरह, और पता भी नहीं चलेगा और ठीक हो जाएगा। ऐसे में आप कोई भी दवा या कोई भी मेथड, इस बीच बहुत सारे मेथड और दवाएं दिया जाती हैं, लोग तरह तरह के उपाय करके बोलने लगते हैं कि इससे ठीक हो गया। दरअसल 90% जो ठीक हो रहा है ना, वो प्रकृति ठीक करी, आप खुद उसको ठीक करें। 90% लोगों में आपके भीतर जो एंटीबॉडीज हैं वो उस वायरस को मार दे रहे हैं। बचे 10% लोगों में बुखार तेज हो सकता है, गले में दर्द तेज हो सकता है, या निमोनिया का शिकार हो सकते हैं। ये जो फेज है, गले में तेज दर्द या तेज बुखार होना, इसमें दवा की जरूरत है, इसको कैटेगरी बी बोलते हैं। कैटेगरी ए जिसमें हल्का फुल्का बुखार, हल्की सर्दी खांसी, कुछ नहीं करना, घर पे रखना है, बहुत ज्यादा चांस है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि किसी बच्चे या बड़े को तेज गले में दर्द है या तेज बुखार है स्वाइन फ्लू के सीजन के समय, तब उसे कैटेगरी बी माना जाएगा। इस व्यक्ति को टैमीफ्लू जो दवा है, जो गवर्नमेंट में भी मिलती है, उसे देने की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे लोग जांच की जिद कर रहे थे हॉस्पिटल में, तो मैं बता दूं स्वाइन फ्लू की जांच की कोई जरूरत नहीं होती उसके इलाज में, इसके लिए व्यर्थ के लिए परेशान ना हो, क्योंकि जांच रिपोर्ट 5 से 5 दिन, 2 दिन, 7 दिन में आएगी, 2 से 7 दिन में आती है। तब तक तो वो मरीज या तो ठीक हो चुका होता है या खराब हालत हो चुकी होती है। इस वजह से दवा का निर्णय बिना ही जांच के लिया जाता है लक्षणों के आधार पर। कैटेगरी बी स्वाइन फ्लू को दवा देनी है 5 दिन के लिए। कैटेगरी सी जिनमें की सांस तेज हो गई या निमोनिया हो गया या लस्त सा हो गया मरीज, ये खतरनाक होता है और इन मरीजों को भर्ती की जरूरत होती है। और सिर्फ WHO के अनुसार भर्ती मरीज जो कर रहे हैं उनका स्वाइन फ्लू का सैंपल भेजा जाता है, लेकिन इलाज तब भी रिपोर्ट आने के पहले ही शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्वाइन फ्लू के विषय में इलाज से संबंधित भ्रांति क्या है कि हर एक का जांच की जरूरत है, तो मैं कहूंगा नहीं। हर एक को दवा की जरूरत है, तो मैं कहूंगा 90% लोगों को दवा की जरूरत नहीं है, कुछ लोगों को ही दवा की जरूरत है। तो इसलिए जब भी स्वाइन फ्लू के कुछ केसेस दिखते हैं तो हड़कंप ना मचाएं, कुछ प्रिकॉशंस रखें जिससे स्वाइन फ्लू ना फैले, जैसे कि हाथ धोना, क्योंकि हाथ से दूसरे में पहुंचता है ये वायरस। लगभग 15 मिनट तक हाथ पर जिंदा रहता है, जबकि टेबल वगैरह जो सरफेस है वहां 24 घंटे तक रह सकता है कपड़ों में। तो कफिंग एटिकेट जैसे खांसी के समय रुमाल से बेटर टिश्यू पेपर, क्योंकि जब आप खांसते हैं और खासकर स्वाइन फ्लू वाला मरीज, तो उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए, रुमाल तो आप बार बार फेंक नहीं सकते। ठीक है, हमारा भारतीय तरीका अभिवादन का नमस्ते हाथ मिलाने की जगह बड़ा कारगर होगा एपिडेमिक्स के समय, जिससे कि एक हाथ से दूसरे हाथ को ट्रांसमिशन ना जाए। बार बार जो नाक को लगाते हैं सलमान, तो ये जो आदत है इसे नहीं रखना है, क्योंकि आप यदि बार बार नाक को हाथ लगाएंगे तो
जल्दी कैच कर सकते हैं वायरस. इस तरह से कुछ कॉमन उपाय, साथ ही साथ में इसका एक टीका आता है बचाव का, वो टीका लगभग 70% तक प्रोटेक्शन दे सकता है. टीके दो तरह के आते हैं, एक नेजल स्प्रे के रूप में और एक इंजेक्शन के रूप में. चाहे तो वह टीका अपने खुद को एवं अपने परिवार को लगा सकते हैं. इंजेक्शन वाला टीका 6 माह की उम्र के बाद कभी भी दिया जा सकता है किसी भी उम्र में, जबकि नेजल स्प्रे 2 वर्ष की उम्र के बाद दिया जाता है. स्वाइन फ्लू में ज्यादा खतरा किन लोगों को होता है, तो वो है प्रेग्नेंट मदर, ठीक है, माँ, यदि प्रेगनेंसी है तो उसको हो सकता है. तो प्रेगनेंसी, ये उन टीकों में से है जो प्रेगनेंसी के समय भी दिया जा सकता है, बहुत ही कम ऐसे टीके हैं. तो प्रेगनेंसी के समय आप टीका लगवा सकते हैं, यदि स्वाइन फ्लू के सीजन में कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो. साथ ही साथ बहुत बूढ़े लोग या 5 साल से छोटे बच्चे या किडनी या लिवर या हार्ट के लंबे समय से चलने वाली बीमारियों के मरीज, कैंसर के मरीज, इनको स्वाइन फ्लू से खतरा ज्यादा है, स्वाइन फ्लू होने का भी और स्वाइन फ्लू से संबंधित गंभीरता का भी. तो मैं एक बार, अच्छा, मास्क का क्या करेंगे? मास्क जनरली मैं कहूंगा आम पब्लिक को जरूरत नहीं है. हाँ, आपके परिवार में यदि किसी को स्वाइन फ्लू है तो उसको पहना के रखें मास्क, या उसको अलग कमरे में रखें. लेकिन आमतौर पर इस तरह से मास्क पहन के घूमने से बचाव होने वाला नहीं, क्योंकि एक तो मास्क जो होते हैं वो अधिकतम 6 घंटे के लिए काम करते हैं, ठीक है. दूसरा, ये वायरस ऑलरेडी फैल चुका है पूरी तरह कम्युनिटी में, तो आप कहां कहां पर मास्क लगा कर जाएंगे, ठीक है. सो ये थी कुछ जानकारियां स्वाइन फ्लू से संबंधित. उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, बहुत बड़ा टॉपिक है स्वाइन फ्लू, तो छोटे से वीडियो में मैं ज्यादा कवर नहीं कर सकता और लंबा करके आपको बोर भी नहीं करना चाहूंगा. सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्रश्न पूछिए, लाइक कीजिए, मेरा साथ दीजिए. स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र. आपका डॉक्टर. थैंक यू.